वेलकम टू माय चैनल गाइस, थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। आज हम बात करेंगे किनपोर्स एपिसोड 5 को लेकर। चलिए लेट्स स्टार्ट। किनपोर्स एपिसोड 5 में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, एक्शन ड्रामा, हार्ट ब्रोकन कॉमेडी, जासूसी का इंग्लिश में भूल गई। हमें यह देखने को मिला मिस्टर कॉर्न, जो किन के फादर है, जो एडवाइस देते हैं पोर्स को लेकर कि तुम मेजर फैमिली बिजनेस संभालते हो तो केयरफुल रहो, किसी को अपना वीकनेस मत बनने दो। और इसके बाद जो सीन आता है यार, मैं क्या बताऊँ, मैं जितनी बार देख रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, उतनी बार मुझे रोना आ रहा है। दिस सीन मेक मी क्राई। अरे यार, कोई ऐसे कैसे कर सकता है हमारे पोर्स के साथ, नर्क में जाओगे सालो। ही इज द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन टू पोर्स एंड ही इज लाइक बेस्ट फ्रेंड। आई लव दिस मैन। चलो अभी बात करते हैं किम को लेकर, नहीं किम तेहंग नहीं, इस किम को लेकर। मैं बता रही हूँ, ये बंदा मुझे सही नहीं लग रहा है यार। अपने ही फादर के रूम में जासूसी। इस कैरेक्टर अभी तक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से दिखाया है। देखते हैं इस कैरेक्टर का हमें क्या दिखाता है मेकर्स। और यह दोनों ही करने लग जाता है, पर बोथ ऑफ देम फेल्ड। वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचने लग जाते हैं। अरे यार, जब फीलिंग्स नहीं है तो अब क्यों कर रहे हो यार, क्यों हमें रुला रहे हो, मत रुलाओ ना यार। यार इन दोनों को देख के मेरा दिल तो बस नाचने लगा। मैं सच बता रही हूँ, अगर इन दोनों को ऐसे हग करते किन देख लेता ना, तो जल भून के कोयला बन जाता है। पोर्स का दिल बहुत ज़्यादा ही हर्ट है, बिकॉज उसका किन उसको पनिश किया है, और उसको लगता है कि किन को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे पोर्स, डोंट वरी, किन ऑलरेडी आपका पैर में गिर चुका है। ये जो पीट का कैरेक्टर है ना, मैं क्या बताऊँ, आई जस्ट लव हिम। जब भी स्क्रीन पे आता है, फेस पे स्माइल देके जाता है। पीट से पता चलता है किन को कि पोर्स को छुट्टी मिली है एक हफ्ते के लिए, इसलिए पोर्स घर गया है। और पीट का एडवाइस लेकर किन भी चला जाता है पोर्स के घर। और फिर वहाँ पर पोर्स जो है अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा है, और वहाँ पर किन पहुँच जाता है। और उसके बाद जो पार्टी ख़त्म होने के बाद जो उनके फ्रेंड थे वो घर चले जाते हैं, और जो किन और पोर्स है वो बातें करने लग जाते हैं। जो किन ने उस पोर्स को हर्ट किया था, पनिश किया था, उस बारे में बात करने लग जाते हैं। और फिर तभी हमें देखने को मिलते हैं चार गुंडे, तो उनको पकड़ के ले जाते हैं एक ट्रक में। और फिर जो किन के फादर से कौन, उनको जीपीएस में नहीं मिल रहा था, ट्रैक नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए वो अपने बॉडीगार्ड भेजते हैं उनको ढूंढने के लिए, और उनको मिल भी जाता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक्शन, जो मुझे देखना था, जो मुझे शुरू में देखने को मिला था एपिसोड 1 में, वही मुझे देखने को मिल रहा है फिर से। यार कब दिखाओ, और अच्छे अच्छे से दिखाओ एक्शन यार, मुझे एक्शन दिखना है। मैं एक्शन देखने के लिए इसलिए देखना शुरू की थी यार, कब मुझे देखने को मिलेगा और ज़्यादा एक्शन, शायद एपिसोड 6 में देखने को मिल जाए। ओवरऑल बताऊँ तो एपिसोड मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। एपिसोड 4 ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी था, कोई नहीं, बट एपिसोड 5 भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। शायद एपिसोड 6 में और ज़्यादा अच्छा दिखने को मिले। हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए होप। तो मेरा रिव्यू यही तक था, मुझे जो सही लगा, मुझे जो लगा मैं बोलती गई। पता नहीं यार आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको एपिसोड 5 कैसा लगा किन पोर्स का। और मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिव्यू बना रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि इंडिया में कितने बीएल फैन हैं जो मेरे वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, आई डोंट नो, बट फिर भी मैं होप करती हूँ, होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं होप करती हूँ कि मेरा भी जो फैमिली है वो बहुत बड़ा हो, यूट्यूब फैमिली है जो वो बहुत बड़ा हो। तो ठीक है, चलो देखते हैं, बाय।